ग्रेड TR1 है, 12 साल वारंटी है और 25 साल लाइफ है इसकी। दूसरी खासियत बाईफिशियल है, बाईफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बड़ी मुश्किल से आता है, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री वगैरह में चला जाता है। ऊपर लगता है ना स्ट्रक्चर पे, तो नीचे से भी है ना जो धूप पड़ती है ना जमीन पे, वो भी रोटेट करके वो इसके वोल्ड रिपेयर और एफिशिएंसी अच्छी देता है। जो सिंगल ग्लास होता है ना उसपे व्हाइट कलर की वो चढ़ी होती है, कॉपी चढ़ी हुई होती है। ये देखिए इसके पीछे भी सोलर पैनल बना हुआ है, इसे हम कहते हैं एक डबल ग्लास बाईफिशियल TR1 है और डॉक्यूमेंट्स वाला है। और इसके 49 वोल्ट है और 13 एम्पेयर है, जिनको एन टाइप के डॉक्यूमेंट्स है। ये देखे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये J550 वाट के डॉक्यूमेंट। हमारे पास गारंटी एक नंबर चीज देंगे, दो नंबर स्टिकर लगा हुआ माल नहीं देंगे। ये देखे ये लॉन्जी IMO6 575 वाट है। डॉक्यूमेंट्स वाले की एफिशिएंसी ऊपर होती है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स में लोग है ना उसको डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, दो नंबर और स्टिकर लगा के भी लोग दे देते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। उसके अंदर 7-8 एम्पेयर होते हैं और 40-42 वोल्ट होते हैं। इसके अंदर 49 वोल्ट है और 13 एम्पेयर है। ये जिनको एन टाइप है 580 वाट है, ए ग्रेड TR1 है। इसकी खासियत ये है कि इसमें हमारा लेन लॉसेस 10% है, इसकी 15 साल वारंटी है और 30 साल लाइफ है। अच्छे 52.5 से 53 वोल्ट होते हैं और 14.5 एम्पेयर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 देखिए, जिसके पास आईफोन मोबाइल है ना उससे ये स्कैन भी हो जाता है। इसके अलावा फिर हमारे पास है लॉन्जी IMO6 है जी, 580 वाट है, इसके भी 52.5 से 53 वोल्ट है और 14.5 एम्पेयर है। 550 वाट के अगर 10 पैनल लगाते ना तो ये 5500 वाट बनते हैं। 5500 वाट पे अगर हम लेन लॉसेस करते हैं ना तो ये 4400 वाट 4500 वाट पे आता है, और इसमें लेन लॉसेस है 10%। जैसे आप 580 वाट के अगर 10 पैनल लगाते हैं ना तो ये 5800 वाट होते हैं। जो 555 वाट जिनको ए ग्रेड TR1 है उनको ये 57 रुपए पर वाट पड़ेगा। लेकिन अब आपके जो भी US वगैरह देख रहे हैं उनको 57 रुपए पर वाट पड़ेगा। इसकी भी 12 साल वारंटी है और 25 साल लाइफ है। Z4 मॉडल है और यूनिक सीरीज का है। अब 165 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं, 150 वाट के 6 पैनल लगा सकते जी। ये 4 kW का इन्वर्टर है, इसके अंदर क्या बोलते हैं तकरीबन 3000 वाट आउटपुट है और इसकी सोलर कैपेसिटी 5000 वाट है। 8.5 है डायमंड सीरीज है, 10,000 सोलर PV है। हाँ तो ये 8.5 kW का है और 10,000 वाट सोलर कैपेसिटी। आजकल लिथियम बैटरी की बहुत डिमांड आ रही है, बहुत डिमांड आ रही है, और लिथियम बैटरी जो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। बेसिकली वो लिथियम बैटरी यूरोप वगैरह के लिए डिजाइन हुई थी, लेकिन यूनिक कंपनी ने पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई है। असल कितनी बड़ी बैटरी और इसका साइज देखे कितना बड़ा है, और इसका तकरीबन 170-175 kg वजन है। ब्लूटूथ आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर ये डिस्प्ले बताएगा आप कितने एम्पेयर दे रही है, सारी चीज आपके मोबाइल पे ब्लूटूथ से बताएगा। ये लाइट है, डिस्प्ले की लाइट है बस। 220 एम्पेयर की बैटरी है, ठीक है, और 48 वोल्ट में। इसका जो बैंक है ना वो 10 kW है, 10,000 वाट का बैंक है इसका। ये देखिए ये इसका वारंटी कार्ड है, 22 से 30 साल लाइफ आती है इसकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं जावेद से, तो और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये सोलर पैनल है इनके पास। सोलर पैनल की काफी वैरायटी है और सोलर पैनल के रेट एक बार फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, सोलर पैनल के रेट कम हो रहे हैं, तो उसी हवाले से पूरी मालूम लेंगे कि आज के क्या रेट है सोलर पैनल के। और इनके पास सोलर इन्वर्टर भी है और इनके पास लिथियम बैटरीज भी है, 48 वाट की लिथियम बैटरीज भी है और 10 kW की है। इनका कहना है कि ये लिथियम बैटरी सिर्फ इनके पास ही है और जिन्हों की है ये, तो इसके बारे में पूरी मालूम लेंगे। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है शेयर भी करें। अस्सलामुअलैकुम भाईजन। वालेकुम अस्सलाम भाईजन। व्यूअर्स को मेरा नाम बता दीजिएगा। सर फारूक पंजवानी नाम है मेरा। ठीक है फारूक भाई, अपनी शॉप का एड्रेस बता दें। सर ये मेन सदर रीगल चौक है और शॉप का नाम है इदरीस इलेक्ट्रॉनिक्स और एड्रेस है G10 मोतीवाला मेंशन। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल होते हैं और उसके अलावा क्या क्या है पूरा हमें बताइएगा भी और फिर वैरायटी दिखाएगा भी। सर हमारे पास सोलर पैनल होते हैं TR1 के, जिसके अंदर 550 वाट होता है, 580 वाट होता है और 555 वाट होता है, 640 वाट होता है, जो अभी स्टॉक में अभी यही नहीं खत्म हो गया। बाकी इसके अलावा हमारे पास 1 kV से लेकर 100 kV तक इन्वर्टर होते हैं, जिसमें 1 kV से लेकर 10 kW तक हाइब्रिड होते हैं। इसके अलावा फिर ऊपर जाते हैं 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, ये सारे ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग के लिए लगते हैं, तो इसलिए हमारे पास 100 kW तक इन्वर्टर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास लिथियम बैटरीज भी होती है? जी सर, हमारे पास लिथियम बैटरी है जो हम आपके व्यूअर्स वगैरह को सरप्राइज देंगे और बहुत अच्छी बैटरी और इसका बहुत अच्छा रिव्यू भी आएगा। ठीक है, आज आपको लिथियम बैटरीज के हवाले से सरप्राइज भी दिया जाएगा, दिखाया जाएगा उसके बारे में। और तो ठीक है, पहले सोलर पैनल से स्टार्ट करते हैं। सोलर पैनल दिखाईगा कौन से हैं आपके पास?
सर हमारे पास ये है जे जी जे ए ग्रेड TR1 है, 12 साल वारंटी है और 25 साल लाइफ है इसकी। 12 साल वारंटी जी, 12 साल वारंटी और 25 साल लाइफ है और ए ग्रेड TR1 है। और दूसरी खासियत बाईफिशियल है, बाईफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बड़ी मुश्किल से आता है, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री वगैरह में चला जाता है। एक थोड़ा बाईफिशियल का बता दीजिएगा, लोग समझते नहीं बाईफिशियल क्या है, तो थोड़ा आसान। सर बाईफिशियल इसमें ये होता है कि जब ये ऊपर लगता है ना स्ट्रक्चर पे, तो नीचे से भी ये ना जो धूप पड़ती है ना जमीन पे, वो भी रोटेट करके वो इसके वोल्ड रिपेयर और एफिशिएंसी अच्छी देता है। ठीक है, तो पीछे से भी होता थोड़ा, पीछे से भी आपके यूएस वगैरह को हम पीछे से दिखाएंगे। ये देखिए, ये ग्रेड TR1 है, पीछे से भी ये देखे जो सिंगल ग्लास होता है ना, उसपे व्हाइट कलर की वो चढ़ी होती है, कॉपी चढ़ी हुई होती है। ये देखिए इसके पीछे भी सोलर पैनल बना हुआ है, इसे हम कहते हैं एक डबल ग्लास बाईफिशियल। डबल ग्लास बाईफिशियल, ठीक है। एक ग्रेड TR1 है और डॉक्यूमेंट्स वाला है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमारे पास जिनको, इसके थोड़ा पहले इसकी कीमत प्राइस बता दीजिएगा जो आज के रेट है, क्योंकि रेट के अपडेट होते रहते जी, रेट के अपडेट होते रहते हैं। अभी LC वगैरह बंद हो गई थी तो रेट काफी ऊपर चले गए थे और डॉलर के रेट भी ऊपर चले गए थे, इसी वजह से रेट ऊपर चले गए थे। अभी फिर रेट नीचे आ गए। अभी आपके जो भी व्यूअर्स वगैरह अगर वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो उनको ये ₹60 पर वाट पड़ेगा फाइनल, 60 जी, बहुत नीचे रेट कर दिए, वो भी डबल गिलास में, डबल गिलास में ₹60 का पर वाट जी, ठीक है। यानी कि दोबारा रेट कम होना शुरू हो गए जी, दोबारा कम होना शुरू हो गए और अभी यही रेट रहेंगे फिलहाल जी। अभी रेट वापसी वेरिएशन हो रहा है, अप डाउन और डॉलर की वजह से हो रहा है, ठीक है। और डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से रेट ऊपर नीचे जा ही रहे, ठीक है जी। इसके अलावा फिर हाँ ये एक ग्रेड TR1 है, ठीक है। और इसके 49 वोल्ट है और 13 एम्पेयर है, 13 एम्पेयर है जी। और एक ग्रेड TR1 है और 12 साल वारंटी, 25 साल लाइफ है, ठीक है। और ये इसके डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर ये देखिए हम आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे। ये देखे, ये जिनको एन टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, ये जिनको एन टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, ये देखे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये जिनको एन टाइप के, ये भी जिनको एन टाइप के। ये एन टाइप अभी फिलहाल आए 10-12 पायलट एक साथ है। ये जिनको ये J550 वाट के डॉक्यूमेंट, अच्छा, ये जो हमने बाईफिशियल दिखाया ना, ये उसके डॉक्यूमेंट्स है। ये देखें इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है इनके पास जी। और इसके अलावा फिर ये हमारे पास IMO6 के भी डॉक्यूमेंट, हमारे पास गारंटी एक नंबर चीज देंगे, दो नंबर स्टिकर लगा हुआ माल नहीं देंगे। ये देखे ये लॉन्जी IMO6 575 वाट है, चीज हम एक नंबर देंगे। देखे रेट हर कोई बोलता है कि ना फला जगह पे इतने रुपए पर वाट में मिल रहा है, फला जगह पे इतने मिल रहा है, तो देखें अगर ये 5-6 रुपए ऊपर है ना तो वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स और इस डॉक्यूमेंट्स में फर्क होगा, क्वालिटी में एफिशिएंसी में फर्क होगा। और इस वजह से ये है ना, डॉक्यूमेंट्स वाले की एफिशिएंसी ऊपर होती है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स में लोग ना उसको डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं दो नंबर, स्टिकर लगा के भी लोग दे देते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। उसके अंदर 7-8 एम्पेयर होते हैं और 40-42 वोल्ट होते हैं, इसके अंदर 49 वोल्ट है और 13 एम्पेयर है, ठीक है। तो असल में इसके डॉक्यूमेंट्स वाली अंदर शीट के अंदर, शीट के अंदर जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए ना, आपके यूएस वगैरह जो भी लेंगे ना, वो इधर सीरियल नंबर लिखा हुआ, ये देखे सामने आपके, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हाँ ये अंदर, ये देखे ये ऊपर से नहीं है, ये देखे आपके सामने में दो नंबर होगा, उसके ऊपर से लिखा हुआ, ऊपर से भी लिखा हुआ होता है और स्टिकर भी दो नंबर लगा हुआ, दो नंबर लगा है और वो ऊपर से हट जाएगा। हाँ वो 4-5 रुपए पर वाट रेट नीचे होता है, कस्टमर समझता है यार मुझे रेट कम में मिल रहा है, रेट कम में नहीं मिल रहा होता भाई, वो फिर दो नंबर पैनल होता है, ठीक है जी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कौन से फिर हमारे पास ये जिनको एन टाइप है, 580 वाट है, एक ग्रेड TR1 है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें हमारा लैंड लॉसेज 10% है। इसके अलावा जो पी टाइप है ना, उसके अंदर लैंड लॉसेज 20-25% है। इसकी 15 साल वारंटी है और 30 साल लाइफ है। अच्छा 15 साल वारंटी जी, 15 साल वारंटी और 30 साल लाइफ है। और इसके 52.5-53 वोल्ट होते हैं और 14.5-14 एम्पेयर होते हैं। जैसे इसका हमने जे का बताया 49 वोल्ट है, इसके 52.5-53 वोल्ट है, ठीक है। और उसमें ये बार भी कुछ होता है, फार जी जी, ये देखिए इसके इसके बस बार के अंदर 16 लाइनें होती है जी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। और जो पी टाइप होता है ना, उसके अंदर 10 लाइनें होती है, ठीक है। वो पी टाइप होता है, उसके बस बार के अंदर ना ये 10 होगी, इसके अंदर 16 है, इसलिए ये एन टाइप है, ठीक है। उससे पहचान भी ये जी, पहचान भी यही है, ठीक है। और फिर इसके अलावा हमारे पास लॉन्जी IMO6 है, आपने रेट भी नहीं बताया, इसके रेट भी बता दीजिएगा फाइनल। हाँ, ये वैसे आज के जो रेट है ना, इसके 64 रुपए पर वाट है, ठीक है जी। वैसे मार्केट चल रही है 66-67 चल रही है, ठीक है। और ये भी वारंटी और डॉक्यूमेंट जी, अभी हमने आपको दिखाया ना डॉक्यूमेंट के अंदर, ये इसी तरह होता है, ऊपर जो लगा होता है, ऊपर लगा होता है। और इसकी एक और खासियत है कि जिसके पास आईफोन मोबाइल है ना, उससे ये स्कैन भी हो जाता है, ये एंड्रॉइड से नहीं होता। अगर आप यहाँ सीरियल नंबर जो देखेंगे, ये आईफोन से स्कैन होगा। अच्छा, आईफोन से आप चेक करके देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके अलावा फिर हमारे पास लॉन्जी आईमो 64 रुपए आपने इसके बताया 64 रुपए पर वाटे वैसे ही चल रहे 65-66 चल रहा है आप लेकिन जो भी आपके यूएस वगैरह देखेंगे उनको 64 रुपए पर वाट फाइनल पड़ेगा ठीक है जी चीज एक नंबर होगी चीज से बेफिक्र हो जाए ठीक है इसके बाद इसके अलावा फिर हमारे पास है लॉन्जी आईमो 6 है ठीक है जी 580 वाट है इसके भी 52-53 वोल्ट है और 14-14.5 एम्पीयर है जैसे हमने अभी बताया था पी टाइप के 49 वोल्ट है ठीक है इसके 52-53 वोल्ट है और जैसे हमने बताया था पी टाइप के 12-13 एम्पीयर है इसके 14-14.5 एम्पीयर है अब इसमें लेन लॉसेस का भी फर्क है खाली वोल्ट का नहीं लेन लॉसेस का भी फर्क है अगर हम पूरा सिस्टम लगाते हैं ना तो लेन लॉसेस इसके अंदर होते हैं 20-25% जैसे हम 550 वाट के अगर 10 पैनल लगाते हैं ना तो ये 5500 वाट बनते हैं 5500 वाट पे अगर हम लेन लॉसेस करते हैं ना तो ये 4400 वाट 4500 वाट पे आता है और इसमें लेन लॉसेस है 10% जैसे आप 580 वाट के अगर 10 पैनल लगाते हैं ना तो ये 5800 वाट होते हैं जब हम 10% लेन लॉसेस करेंगे ना तो ये 52-53 वाट आउटपुट देगा ये ठीक है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये भी लेटेस्ट है और ये भी लेटेस्ट है ये जिनको भी लेटेस्ट है और ये लॉन्जी की आईमो 6 है जो आजकल मार्केट में बहुत डिमांड आ रही है ठीक है जी ये भी 64 रुपए पर वाट पड़ेगा फाइनल दोनों के सेम रेट हालांकि जिनको एन टाइप के 1-1.5 रुपए ऊपर है लेकिन हमने आपके यूएस वगैरह को सेम रेट ही रख दिया ठीक है और जो पी टाइप वाला है वो भी अगर है तो वो भी दिखा देगा जी पी देखें ये पी टाइप पड़ा हुआ हमारे पास ये 555 वाट जिनको ए ग्रेड TR1 है इसके लाइन के अंदर 10 इसके अंदर इसके बस बार के अंदर 10 लाइनें होगी ये देखें आपके सामने ही है ठीक है जी जो भी आपके यूएस वगैरह देख रहे हैं ना उनको ये 57 रुपए पर वाट पड़ेगा 57 हालांकि मार्केट में 60 रुपीज चल रहे लेकिन अब आपके जो भी यूएस वगैरह देख रहे हैं उनको 57 रुपए पर वाट पड़ेगा इसकी भी 12 साल वारंटी है और 25 साल लाइफ है ठीक है और इसके अलावा फिर हमारे पास ये जो हमने आपको बताया ना इन्वर्टर वगैरह होता है ये 1kV का है ये 4kV का बता जाएगा जैसे 1kV ये 1kV का इन्वर्टर है Z4 मॉडल है और यूनिक सीरीज का है ठीक है इसकी सोलर कैपेसिटी 1000 वाट है और ये 720 वाट आउटपुट देगा इस पे आप 165 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं 150 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं 300 वाट के 2 लगा सकते हैं ये लो वोल्टेज इन्वर्टर है इसी में हमारे पास हाई वोल्टेज भी यूनिक में इन्वर्टर आया हुआ है जिसकी सोलर कैपेसिटी 2500 वाट है और आउटपुट 1500 वाट है जी है तो इसकी प्राइस क्या है ये वैसे आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको ये 47,000 का पड़ेगा वैसे मार्केट रेट चल रहे 52,000 चल रहे ठीक है जी इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरे इन्वर्टर है हाई वोल्टेज के 3kW है 4kW है 6kW है ये सारे इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है हाइब्रिड में अच्छा फिर इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे अभी लिथियम बैटरी ठीक है जैसे कुछ के रेट ही बता दीजिएगा जैसे अगर इसके हम लोग जैसे ये पड़ा हुआ PV 4000 मार्बल पड़ा हुआ है जी ये 4kW का इन्वर्टर है इसके अंदर क्या बोलते हैं तकरीबन 3000 वाट आउटपुट है और इसकी सोलर कैपेसिटी 5000 वाट है ये मार्बल सीरीज है और 24 वोल्ट में इसके वजह से मार्केट रेट चल रहे 1,50,000 रुपए हम आपके यूएस वगैरह को 1,45,000 रुपए में देंगे जी इसके अलावा फिर ये 8.5 है डायमंड सीरीज है 10,000 सोलर PV है हाँ तो ये 8.5 kW का है और 10,000 वाट सोलर कैपेसिटी है जो भी आपके यूएस वगैरह अगर ये इन्वर्टर लेना चाहेंगे वैसे इसके मार्केट रेट चल रहे 3,25,000 रुपए लेकिन हम आपके रूवर्स वगैरह को देंगे 3,10,000 रुपए का ठीक है जी इसके बाद आपने कुछ बताया था कि स्पेशल है आप स्पेशल हम दे रहे थे लिथियम बैटरी आजकल लिथियम बैटरी की बहुत डिमांड आ रही है बहुत डिमांड आ रही है और लिथियम बैटरी जो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी बेसिकली वो लिथियम बैटरी यूरोप वगैरह के लिए डिजाइन हुई थी लेकिन यूनिक कंपनी ने पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई है तो देखिये हम आपको लिथियम बैटरी दिखा रहे हैं इसकी ये देखे माशाल्लाह कितनी बड़ी बैटरी और इसका साइज देखे कितना बड़ा है और इसका तकरीबन 170-175 केजी वजन है और इसका डिस्प्ले भी नहीं है ये आपके मोबाइल ये देखे ये लिखा हुआ ये देखे ब्लूटूथ आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर ये डिस्प्ले बताएगा आपके मोबाइल में वोल्ट एम्पेयर कितने वोल्ट पे खड़ी हुई है कितने एम्पेयर दे रही है सारी चीज आपके मोबाइल पे ब्लूटूथ से बताएगा अच्छा डिस्प्ले सारा जो है मोबाइल में आएगा मोबाइल में आएगा जी बाकी ये लाइट है डिस्प्ले की लाइट है बस बाकी LCD वगैरह नहीं बनी हुई इस पे ये मोबाइल पे कनेक्ट हुई होती अच्छा, है ये कितने एम्पीयर या कितने वॉट इसका सारा बता दीजिए हाँ, ये असल में 220 एम्पीयर की बैटरी है ठीक है और 48 वोल्ट में 48 वोल्ट जी 48 वोल्ट 220 एम्पीयर बैटरी है और इसका जो बैंक है ना वो 10kW है 10,000 वाट का बैंक है इसका अच्छा 10kW की है जी जी वाट की है ये दे सकते हैं आप इसको जी और इसके अलावा ये इसके वारंटी कार्ड है 8 साल वारंटी है इसकी ये देखिए ये इसका वारंटी कार्ड है 8 साल वारंटी है इसकी और ये इसका यूजर मैनुअल है यूजर मैनुअल जी के साथ मौजूद है जी और ये इसके साथ केबल है जो आप कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर के साथ जी अच्छा ये देखें ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये देख सकते हैं ये आपको बैटरी का जो है
वारंटी कार्ड है, थोड़ा मैनुअल भी दिखा दीजिएगा। ये देखिए ये यूजर मैनुअल है इसका, ये आपकी सारी चीजें सेटिंग वगैरह सब चीजें इस पे लिखी हुई है। जिस भाई को लगवाना हो वो यूजर मैनुअल में देख ले, बाकी जिसको भी समझ जाए इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने में तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें काफी बड़ी साइज में ये है और इसके 8000 साइकिल है। अच्छा 8000 साइकिल, 8000 साइकिल अगर हम 365 दिन से तकसीम करते हैं ना तो इसकी लाइफ आती है तकरीबन 22 से 35 साल लाइफ आ रही है। 22 से 35 साल इसकी लाइफ है और 8 साल वारंटी है इसकी। 8 साल वारंटी, जी जी सर 8 साल वारंटी है इसकी। और बैटरी का साइज देखिए आप, माशाल्लाह बहुत बड़ा साइज है बैटरी का। ठीक है, ये देखें जी, ये सिस्टम 10 किलो वाट तक के लिए है। 10 किलो वाट तक पे आप इसका लोड चला सके, 10000 वाट का बैंक है ये। अच्छा बैंक है जी, 48 वोल्ट में और 220 एम्पीयर में। ठीक है, और 8000 साइकिल है जिसे आप अगर बैटरी डिस्चार्ज पे अगर आप बैकअप लेते हैं ना तो डिस्चार्ज पे एक एक सेल गिरता है, एक साइकिल गिरता है, तो आप तकसीम कर ले 365 दिन से तो तकरीबन 22 से 30 साल लाइफ आती है इसकी। ठीक है, तो भाई जान आप ये बता दिएगा कि आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं। जी जी ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में हमारा ऑनलाइन सामान वगैरह भी जाता है, बिल्टी भी करवाते हैं और ड्राइवर से कार्गो वगैरह भी करवाते हैं। तो उसके लिए आप जो ना अपना नंबर ही बता दिएगा ताकि लोग आपसे आसानी से रब्ता कर सके। सर मेरा नंबर है 03222750329, ये मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है। ठीक है,